हर दूसरा इंसान चाहता है कि कोरोना रुक जाए, सब पहले जैसा हो जाए, सब ठीक हो जाए। लेकिन देश का हर गरीब परिवार कोरोना से बेशक बच जाएगा, लेकिन भूख से नहीं बच पाएगा। महामारी में कोई ऑक्सीजन की वजह से मरीज मर जाता है तो कोई गरीब पेट की भूख से। मई 2021 का समय है, शायद कोरोना का अंतिम चरण हो, लेकिन क्या कोई भरोसा दिला सकता है कि कोई भी महामारी दोबारा कभी नहीं आएगी? जी नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोरोना जैसी बड़ी महामारी से लड़ने के लिए दवाई से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्या कारण है कि बीमारी के इतने फैलने का और लोगों में इतना डर बन जाने का? तो आइए आपके सवालों का जवाब दिया जाए। आज से 46 साल पहले आज ही के दिन चेचक जैसी भयावह बीमारी ने 30 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। विश्व में चेचक के 60% मामले भारत में ही रिपोर्ट किए गए थे और दुनिया के सभी देशों के सामने भारत में ही सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी। 1974 में आई ये बीमारी 1977 यानी 4 साल तक लोगों में डर बनाए रही। चेचक का आखिरी मामला 1977 में सामने आया था। पिछले 100 सालों में कई बीमारी भारत में आई हैं। स्पेनिश फ्लू जो प्रथम विश्व युद्ध के वजह से फैली थी, हैजा, प्लेग, डेंगू, मलेरिया, पीलिया, जिन्होंने सैकड़ों लोगों की जान ली है। और ये बीमारियां या तो गंदे पानी के पीने से फैली हैं या एक दूसरे के व्यक्ति के संपर्क में आने से। और इन बीमारियों से ज़्यादा लोगों में फैली अफवाहें और गलत इलाज की अफवाहों ने हालातों को और गंभीर बना दिया। डर की वजह से इंसान ही इंसान का दुश्मन बन बैठा और जहां 3 में से 2% लोगों की जान जानी थी, वहां भय, डर और स्वार्थ की वजह से 4% लोगों की जाने गई। हालांकि पूरी दुनिया इस कोरोना की चपेट में है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें आज सबसे ज़्यादा डेथ के केसेस सामने आए हैं और कारण सिर्फ एक है, लोगों में फैलाया गया डर। दोस्तों, कई महामारी आई हैं और कई आएंगी, लेकिन समाधान सिर्फ एक ही रहेगा, उचित स्वच्छता, सीमित दिनचर्या अपनाई जाए, क्योंकि कोई भी महामारी से लड़ने की शक्ति इंसान के अंदर ही है। संयम से काम ले, अफवाहों से बचें, स्वार्थी ना बने, सबका सहयोग दें, मिलकर ऐसे हालातों से उबरने की कोशिश करें।